इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। इरफान काजी, ये चार काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शहबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, इनका दिमाग की तवज्जुफ थोड़ा हिल गया है। ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। आप सबको एक झूठ बताया गया है और वो झूठ इस इंसान ने कहा है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आज आप सब हमारे खिलाफ खड़े रहे। काजी साहब, यहाँ लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। अरे पीकर तो देखो, हमने अपने हाथों से बनाई है, अदरक भी डाली है, तुम्हें पसंद है ना? लो, गरम है, गरम है, गरम है। हमारी नहीं तो कम से कम चाय की कदर कर लो, मजा आ जाएगा। वल्ला क्या जवाल आया है, यहाँ हम चेहरे पर तबस्सुम सजाकर बैठे हैं और आप है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर मेहरबान है। कितनी बदनसीब होगी वो जुबान जिसने हमारे हाथ की बनी हुई चाय का जायका ही नहीं लिया। कितना बदनसीब है वो शौहर जिसकी बीवी उसकी एक बात नहीं मानती, उसकी इज्जत नहीं करती और बिलाल और कौशल के केस को लड़ने पर अड़ी रहती है। जनाब, आपकी नाराजगी आपकी बेगम से नहीं है बल्कि मजलूमों के वकील से है, और ये वक्त थोड़ी है इस बात को करने का। देखो, तुम्हारे सामने कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि तुम्हारी बेगम खड़ी है। काश ऐसा होता जैसा तुम कह रही हो, क्योंकि हमें तो हमारी बेगम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हमारे सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसको अपने शौहर की इतनी सी इज्जत नहीं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और कद्र भी, लेकिन हमें कौसर और उसके बच्चों के मुस्तकबिल की भी फिक्र है। कबीर, कौसर एक मजलूम औरत है। जालिम औरत है ज़ारा, जो अपने शोहर पर जुल्म कर रही है, मजलूम नहीं है। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अगर कोई इंसान तुम्हें कोई बात कहे मस्जिद में खड़े होकर, क्या वो बात सच होती है झूठ होती है? बिलाल ने हमसे ये बात मस्जिद में कही थी। अगर बिलाल इतना ही सच्चा है तो शरिया बोर्ड में क्यों नहीं आ जाता?
कौसर और वो आमने सामने बात कर लेंगे, शरिया बोर्ड तय करेगा। नहीं नहीं, अगर हम किसी से कोई वादा करते, तुम उसकी इज्जत क्यों नहीं करती हो जारा? हमने उससे वादा किया है कि ये केस शरिया बोर्ड में नहीं आएगा जारा, क्योंकि उसके घर की इज्जत का सवाल है। कभी तुम शहर काजी हो, बिना बात के पहलू जाने ये वादा कैसे कर सकते? क्या क्या नहीं जानते? शहर काजी की हैसियत से हमने ये फैसला लिया है कि ये केस लोगों का वक्त बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। एक औरत और उसके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुमसे वक्त की बर्बादी बोल रहे हो? और जब वही औरत अपने शौहर के इजाजत के बिना किसी नामहरम के ऑफिस में काम करिए, वो तुम्हारे लिए सही है? तो ठीक है, बिलाल की गवाही देने के साथ साथ कौशल के खिलाफ सबूत भी दो कि वो गलत है। कभी बात यही की यही खत्म हो जाएगी। तुम्हें सबूत चाहिए और जो तुम्हारा शौहर तुमसे कह रहा है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है जरा। हम उस बस्ती में जा चुके हैं, वहां हर एक मर्द और औरत से हमने बात की है। जानती हो वहां क्या हो रहा है? वहां की औरतें बागी हो चुकी है जरा। तुम्हारे नाम पर क्या क्या करी जानती हो तुम? तुम्हें सबूत, तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम गलत करी हो। हम जानते जरा कि तुम्हारा इरादा नेक है, तुम ये औरतों के हक ले लड़ी हो, वो सही है। लेकिन कौसर तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हारे इस पाक और नेक दिल का फायदा उठा रही है जरा। और इसके चक्कर में जानती हो क्या हो रहा है? एक बेगुनाह इंसान की इज्जत पर कीचड़ तुम उछाल रही हो। मत करो ऐसा। इस पर तुम गलत हो जरा। हमें एक बात बताइए, अगर आप सब अपने शौहर के साथ इतनी खुश हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बुजुर्ग शख्स से अपने हालात के बारे में झूठ क्यों बोला? कौन बुजुर्ग शख्स? आप सबसे एक बुजुर्ग शख्स मिलने आए थे ना? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। आप सब पूरी यकीन से कह सकते हैं आपसे कोई मिलने नहीं आया एक बुजुर्ग शख्स? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। कभी सोचा नहीं था एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर सकता है। नहीं मतलब करते होंगे पर बोलता कोई नहीं है, पर आपने तो सबके सामने, वो छोटे बच्चे बोलते है ना, माई फादर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। वो बेस्ट फादर आप है सर। मैं लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती, जैसे मेरी बेटी को माँ नहीं मिली, तुम्हें फादर नहीं, पर दोनों ने कभी कोई कमी नहीं रखी, ना मैंने ना तुम्हारी माँ ने। वैसे नाम क्या है तुम्हारी माँ? ये मुझे क्या हो रहा है, ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। वेदांत, वेदांत त्रिपाठी नाम है मेरा। केशव आ गई तू मनो। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराए मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। एक और जहां अस्मिता और शान होने जा रहे हैं एक साथ, वहीं दूसरी ओर हृदय अस्मिता के लिए जान देने के लिए है तैयार। क्या होगा इस अजीब दास्तान का मोड़, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। इस होली आपको तो रंग लगा।
आपके साथ हम होली खेलने के लिए कब से तैयार हैं? ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। साहिल और इस परिवार से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा इसने। ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। साहिल और वेदिका जब तक मेरे घाव नहीं भर जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वार वहीं करना चाहिए माँ जहाँ दर्द सबसे ज्यादा। पर मुझे इनकी दुखती रत का पता चल गया।